हेलो दोस्तों, मेरा नाम लोकेश कुमार है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुड्डू। गुड्डू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के पार्टीशन बनाना। दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका है, आइए सीख लेते हैं हार्ड डिस्क के पार्टीशन बनाना और प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहले करना क्या होता है, जो अपनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, जो मेरे पास है 1 टेरावाइट की, 1 टेरावाइट की हार्ड डिस्क है जो मैं कल लेकर आया था, इसके पार्टीशन बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले हम इनपुट करते हैं यूएसबी को। और देखिए, हमने इनपुट इनपुट कर लिए। ये देखिए, ये मेरे पार्टीशन पहले से ही बने हुए हैं, लेकिन आज मैं इसमें और एक्स्ट्रा पार्ट बनाना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहला मेरा पार्ट है 38 GB का और दूसरा पार्ट है 284 GB का। इसमें फुल पार्टीशन नहीं दिखा रहे, जब हम इसके अंदर जाते हैं तो हमें फुल पार्टीशन दिखा देता है। ये देखिए, हम डालते हैं इस पर एडमिनिस्ट्रेटर टूल और हमें पहले से ही इसमें दिखा दिया है बाय डिफॉल्ट सर्च करके, और हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये है कंप्यूटर मैनेजमेंट। कंप्यूटर मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं और ये दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग, और ये दिखा रहा है डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं ये देखिए, पहली वाली जो हार्ड डिस्क है वो मेरे कंप्यूटर की है, जो पहले से उसके पार्टीशन बने हुए हैं। देखिए, हमारा एक पार्टीशन ये बना हुआ है और एक बना हुआ है ये और एक बना हुआ है ये, और ये 569 GB दिखा रहा है। हमें इसका पार्टीशन बनाना है। सबसे पहले करते हैं न्यू सिंपल वॉल्यूम, ओके। ये देखिए, ये इसमें इसके कुछ डिजिट दिखा रहा है और इसके हम जितने पार्टीशन बना रहे हैं उससे हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो लगभग ये हो जाएगा 29119। तो हमने दो पार्टीशन बनाने हैं, तो इसे 2 से डिवाइड किया था। और इसमें डालते हैं हम 29119, सिंपली करना है और इसका नेम देना है, जो भी नेम देना है हमें, XYZ कोई सा भी नेम चुन सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल इसमें आई चुनने वाला हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट, और ये हमें कंफर्मेशन मैसेज भी दिखा रहा है, और ये फिनिश कर देते हैं। अब हमारा पार्टीशन बन गया है। सॉरी, हमसे कोई गलती हुई है और ये जो पार्टीशन है वो कम डिवाइस में बना है। सेनिक पर क्लिक करते हैं और ये देखिए, इसका हम
हाफ कर लेते हैं, हमें दो पार्टीशन बना रहे हैं तो हाफ कर लेते हैं इसका, इसका हाफ होगा, ये संख्या डालनी है 289 8558। और स्निप पर क्लिक करते हैं, ये देखिए अब हमें यहाँ पर दो पार्टीशन दिखा देता है, तो ये हमारा पार्टीशन नंबर तैयार हो गया है। उसे सिंपल न्यू वॉल्यूम पर क्लिक करना है और सिंपल आगे बढ़ते जाना है, और बाय डिफॉल्ट इसने नाम भी ले लिया है जो ये है जे है, और फिनिश कर देते हैं। अब ये हमारे पार्टीशन बनकर तैयार हो गए। देखा दोस्तों कितना सिंपल है पार्टीशन बनाना, थोड़ा टाइम लेता है। जब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे न्यू वॉल्यूम लिखकर आ गया, अब ये हमारे पार्टीशन तैयार है। मैंने 1 TB के पार्टीशन बना दिए हैं, और ये 1 2 3 4 और पार्टीशन बनाए हैं। और देख लेते हैं हम यहाँ अपने कंप्यूटर पर, ये देखिए मेरा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है न्यू वॉल्यूम HIJM, ये मेरे इसके नाम है पार्टीशन के, और ये मेरी हार्ड डिस्क है, और ये मेरा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। देखा दोस्तों कितना सिंपल है पार्टीशन बनाना।